दोस्तों नमस्कार। श्रीलंका की सीरीज खत्म हो चुकी है और अब बांग्लादेश की तैयारी है। जी हां, बांग्लादेश की टीम भारत आएगी सितंबर में। भारत को टेस्ट सीरीज खेलनी है और एक तरह से कड़ा इम्तिहान होगा भारतीय टीम का, क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह से पाकिस्तान को पराजित किया है पहले मुकाबले में और दूसरे मुकाबले में भी, अभी वो जमी हुई है ये टीम। लेकिन भारत को, क्योंकि मीरपुर टेस्ट का अनुभव भारत को याद है, क्योंकि वहां पर भारत ने एक समय 70+ स्कोर में 7 विकेट गंवा दिए थे और उसके बाद भारत की तरफ से अश्विन और श्रेयस अय्यर ने भारत को खतरे से बचा लिया, संकट से बचा लिया। अब भारतीय टीम बांग्लादेश से खेलेगी और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, उन्होंने अपना अभ्यास शुरू कर दिया है और अभिषेक नायर के साथ, जो कि टीम के असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने अपने अभ्यास को अंजाम दिया और वो उन्होंने ग्राउंड के कई चक्कर लगाए, दौड़े और उसके बाद आपने, आपको याद दिला दें, T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा उनका बल्कि जो चेहरा था, या ये कहिए कि ओवरऑल जो है थोड़े से बल्कि दिखाई दे रहे थे, लेकिन श्रीलंका के दौरे में उन्होंने काफ़ी फिटनेस पर अपना ध्यान दिया और अब उनकी फिटनेस उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उसको लेकर अभिषेक नायर के साथ, क्योंकि अब वो टीम में असिस्टेंट कोच के हैसियत से जुड़ गए हैं अभिषेक नायर, तो उनके साथ अब देखना होगा कि कितना आगे अपनी फिटनेस को बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी है। और वहीं विराट कोहली के साथ ठीक उल्टा है, वो जो है अभी T20 वर्ल्ड कप तक खेले, IPL में खेले, लगातार दो टूर्नामेंट्स की थकान को दूर करने के लिए उसके बाद वो चले गए थे, रवाना हो गए थे लंदन, और लंदन में वो अभी फिलहाल अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। और क्योंकि वैसे भारतीय टीम के बहुत ही फिट खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन उन पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। हम आपको याद दिला दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खिलाड़ियों को दिलीप ट्रॉफी के लिए राहत दी गई है, वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। और उसके अलावा रविंद्र जडेजा और साथ ही जसप्रीत बुमराह भी इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन बाकी किसी भी खिलाड़ी को कोई छूट नहीं मिली है। हालांकि जडेजा भी टीम में थे, एक टीम में शामिल किए गए थे, लेकिन आखिरी क्षणों में उन्होंने अपना नाम वापस लिया क्योंकि वो फिट नहीं थे। तो अब जाहिर सी बात है कि अब एक फिटनेस एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है और कुछ खिलाड़ियों को अपनी लय में आना होगा, लौटना होगा, क्योंकि इस बार जो है फॉर्मेट पूरी तरह से बदला गया है दिलीप ट्रॉफी का। अब रेड बॉल क्रिकेट का ये टूर्नामेंट क्षेत्रीय आधार पर नहीं होगा, जोनल आधार पर नहीं होगा, और अब ये ABCD करके 4 टीमें बनाई गई हैं जो सेलेक्टर्स ने ही बनाई हैं, और हर टीम में कोशिश यही की गई है कि कुछ बराबर के बाएं हाथ के प्लेयर रखें या टीम को बैलेंस करने की कोशिश करें। लेकिन अब यहाँ से खिलाड़ी जब शानदार प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर एक तो उनकी फिटनेस का सही जायज़ा होगा और साथ ही वो खिलाड़ी जो है बांग्लादेश के लिए भी टीम चुनने में सिलेक्टर्स को बहुत मदद मिलेगी इस दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के बाद। तो जाहिर सी बात है कि फिटनेस लेवल अगर देखा जाए तो विराट कोहली अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके साथ फिटनेस वाला इशू कभी नहीं रहा क्योंकि टीम के बहुत ही फिट खिलाड़ी हैं। और वहीं रोहित शर्मा जो है वो अभिषेक नायर के साथ पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।